सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन स्टार। गाइस, आज मैं बात करूंगा माइक्रोमैक्स इन 1B के सेल को लेकर। जो पहली सेल थी वो 26 को थी और उसके बाद जो है वो कैंसिल कर दी गई, और उसके बाद अभी तक जो पता नहीं चला कि नेक्स्ट सेल कब आएगी। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट सेल 1 दिसंबर को थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 1 दिसंबर को कोई सेल नहीं थी, वो माइक्रोमैक्स नोट 1 का जो है सेल था। तो इसी के बारे में बात करूंगा कि नेक्स्ट सेल कब आएगी, और ये भी बताऊंगा कि वो फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से आप मत लीजिएगा, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ मेरा वन प्लस नॉट का गिव अवे चल रहा है, 2x गिव अवे। तो आप जाइए, जल्दी से पार्टिसिपेट कर लीजिए। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मैं इसका अनाउंसमेंट अब बहुत जल्दी करने वाला हूँ। तो जल्दी से जाइए, पार्टिसिपेट कर लीजिए। तो यहाँ माइक्रोमैक्स इन 1B का जो है सेल वो कब लगने वाला है, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। और इसका पहले रिव्यू देख लेते हैं कि आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो यहाँ देखिए, इसकी रेटिंग बहुत ही ख़राब मिली है, और यहाँ पे कुछ लोगों ने जो ऑफलाइन परचेस किया था स्टोर से, तो उन लोगों ने जो है रेटिंग दे रखी है, या और अदर कंट्रीज़ में जो लोगों ने परचेस किया है तो वहाँ देखिए यहाँ पर रेटिंग दी है कि डोंट बाय दिस फ़ोन, मतलब ये फ़ोन मत खरीदिए, ये लैग टू मच, मतलब ये बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। लेकिन कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि हाँ, इसका कैमरा अच्छा है, बैटरी अच्छी है। और उसके बाद देखिए यहाँ रेड रेड कलर का आपको देख रहा है कि रेटिंग कैसी मिली। तो यहाँ एक लोगों ने लिखा है वेरी पुअर, मतलब कि आपका पैसा बेकार चला जाएगा, इसकी क्वालिटी जो बहुत ही ख़राब है। लेकिन एक लोगों ने और लिखा है कि नाइस। तो एक लोग फिर यहाँ पे एक लोगों ने और लिखा है वॉटलेस, मतलब कि ये मोबाइल एकदम बेकार है, इसका स्क्रीन जो है चलाते चलाते में रुक जा रहा है, परफॉर्मेंस मतलब अच्छी नहीं है इसकी, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि इसके प्रोसेसर हीलियो है G85, तो उस पर जो इसका जो प्रोसेसर हीलियो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन उस हिसाब से ये जो है चलते चलते में रुक जा रहा है, ये कभी कभी काम नहीं कर रहा है, अनलॉक बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो ये देखिए, और यहाँ इसके नीचे भी दिया है डिवाइस कीप फ्रीजिंग एंड हैंगिंग, मतलब कि ये चलते चलते रुक जा रहा है और काफ़ी हैंग कर रहा है। माइक भी जो है काम नहीं कर रहा है, बात करते समय जो है माइक कभी कभी कुछ समय के लिए रुक जा रहा है, और फिंगरप्रिंट जो है बहुत स्लो काम कर रहा है। तो यही कुछ वगैरह यहाँ पे डिटेल जो लोगों ने परचेस किए वो दी है। तो ये यहाँ पे एकदम सही डिटेल लोग भरते हैं, जो अगर एक्सपीरियंस अपने हिसाब से करते हैं कि अगर मैं ये मोबाइल ख़रीद रहा हूँ तो इसमें जो प्रॉब्लम है मैं फ़्लिपकार्ट पे जाके बता सकता हूँ कि ये मतलब इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी रेटिंग जो है इसकी ख़राब मिली है, तो मेरे हिसाब से आप इसको बाय मत करिए, क्योंकि 8000 में आप लोग का पैसा तो बेकार जाएगा, तो क्या फ़ायदा है। मान रहे हैं कि ये इंडिया का प्रोडक्ट है, लेकिन इतना भी घटिया प्रोडक्ट नहीं देना चाहिए था कि यहाँ पे लोगों ने देखी काफ़ी रेटिंग जो है ख़राब की है। लेकिन अगर आप चाहते हैं परचेस करना तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नॉर्मली यूज़ करना है तो आप इसको परचेस कर लीजिए, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। तो यहाँ पर देखिए इसी वजह से कुछ इसका सेल जो है रुका हुआ, और नेक्स्ट सेल कब आ रहा है तो मैं बता दूँ, नेक्स्ट सेल जो है वो शायद न आए मेरे हिसाब से, लेकिन अभी तक का जो लीक आ रहा है वो नेक्स्ट सेल तो अभी नहीं आएगा। इसका कोई भी लीक नहीं आ रही है कि नेक्स्ट सेल कब लगेगा। तो अभी मैं बता दूं कि ये फ़ोन मैं बाय करने वाला था, लेकिन अब मैं ये बाय नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जो रिव्यू वगैरह मैंने देख लिया, तो अब मैं इसको बाय नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जो है पैसा बेकार चला जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं। उसके हिसाब से मैं कोई दूसरी मोबाइल अब चेक करूँगा कि कौन सी 8-7 हज़ार या 9 हज़ार के रेंज में कौन सी मोबाइल आ रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी मिड रेंज में 7-8-9 हज़ार तक के जो है फ़ोन को बताऊंगा कि आप कौन सा फ़ोन लेना चाहिए आपको, उसी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये फ़ोन मेरे हिसाब से आप बाय मत करिए, आपका पैसा बेकार चला जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ जो है नेक्स्ट सेल नहीं लगेगा, अभी तक में जो लीक्स आ रही हैं उसमें तो नेक्स्ट सेल नहीं लगनी है। अब बाद में क्या हो ये तो कुछ नहीं पता, लेकिन 26 को फर्स्ट सेल था, वो कैंसिल करके आज 8-10 दिन 12 दिन हो गए, लेकिन कोई नेक्स्ट सेल का अभी लीक्स नहीं आ रहे। बल्कि माइक्रोमैक्स नोट 1 का जो है सेल का उसके दोबारा लग गया, लेकिन ये सेल इसका नहीं आ रहा है। तो इसको बाय मत करिएगा, यहाँ नोटिफाई का ऑप्शन आ रहा है मेरे हिसाब से। तो बस मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।